कैसे हैं आप सब? जी मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, एंड रूसो ब्रदर्स का मैं फ़ैन रहा हूँ। उनकी सारी पिक्चरें, सारी एवेंजर्स सीरीज, सारी हम सब ने देखी हैं, एंड आई रियली एंजॉयड इट। एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर अस दैट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ आर कंट्री, धनुष सर, इज़ इन द फिल्म, एंड आई एम हियर टू जस्ट सपोर्ट धनुष सर एंड रूसो ब्रदर्स। बहुत अच्छा था मेरे लिए। बहुत बड़ी बात है इन सब से मिलना, इन सब से रूबरू होना, इन सब से बातें करना फिल्म के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। यस नो, धनुष हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन ऑल थ्रू आउट। हम मतलब मुझे तो सिर्फ 7 साल हुए इंडस्ट्री में, और वो पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं। एंड उनकी लास्ट फिल्म देखकर भी, अतरंगी रे देखकर भी, मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चाहे वो असुरन हो, चाहे उनकी पहले की सारी फिल्में हो। बट अभी ये ग्रे मैन है एंड ही इज़ रिप्रेजेंटिंग अस ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, सो बिग शाउट आउट टू धनुष सर। यार हमारी फिल्में भी काफ़ी इंटरनेशनल होती हैं, बट पर कुछ कुछ फिल्में की हैं, वो सारी आएंगी, धनाधन आएंगी मेरे हिसाब से। एक गोविंदा नाम मेरा है शशांक खेतान की, एक विक्टर सर के साथ है, और लक्ष्मण उत्तेकर सर के साथ है, आनंद तिवारी के साथ है, सो लेट्स सी। अभी सैम बहादुर की तैयारी चल रही है। बहुत प्यारा था यार, बहुत प्यारा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जपनाम, पर यहाँ हम जपनाम नहीं कहते, कुछ और भी कह सकते हैं। बहुत प्यार मिला जी, जरूर। यस नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर के लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, जहाँ ऑडियंस आपको इतना पसंद करे, आपके कैरेक्टर के नाम से आपको जाना जाता है, आपके कैरेक्टर के भावनाओं से आपको जाना जाता है। सो आई थिंक दैट आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, एंड आई थिंक जितना प्यार मुझे ऑडियंस से मिला है, उस हिसाब से ही मैं आगे मेरा अपना काम करूँगी, एंड आई होप आई गेट सम मोर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड सम यू नो डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ। मुझे काफ़ी लोग मतलब पूछ रहे हैं आजकल आपको क्या करना है नेक्स्ट, तो जो हमारे लाइफ में जितने इमोशंस होते हैं ना, उसके हिसाब से आई थिंक एवरी इमोशन शुड बी प्लेड, तो मुझे रोमांटिक फिल्में करना बहुत पसंद है, तो शायद मैं वो करने वाली हूँ आगे जाके। सो या बट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू। Of course, I am here because I have loved the trailer. So, hello sir, how are you? So, yeah, I have loved the trailer, and I'm very happy that something like that has been, showcased in India now, and this premiere is happening for that. So, I'm very excited to see Dhanush sir. I've been a big fan of his work. I would really, I also told him that I always wanted to work with him, but I think yes, I'm very excited to see the screening now. अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब वो ऑलरेडी दिग्गज लोग हैं जी। धनुष सर की तो ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज वर्क, एंड आई थिंक ये मुझे लगता है जितना मैंने इसका जितने पोस्टर्स देखे और जो वाइब है एक इस क्योंकि मेरा हाला में ये एक शो आया था शी नाम का, और वो जैसा एक फीलिंग आती है कि ये शो चलेगा या ये फिल्म चलेगी, वैसे मुझे ग्रेमैन का जो प्रमोशन है वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये इस फिल्म की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, और आई थिंक इट्स गोइंग टू डू रियली वेल।
आर थ्री तो आ चुका, देखो यार ये पीछे है मतलब या प्लीज फोर अगले साल आएगा और शी का मुझे पता नहीं है, वो इम्तियाज सर से पूछेगा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Who's that? How are you? Very, very good. Listen, yes, you did. बड़ा लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स जी। ओह माय गॉड, सो गुड। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई एम अ ह्यूज मार्वल फैन। ओके, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बट आई एम अ ह्यूज मार्वल फैन। सो टुनाइट आई एम लाइक, मुझसे बात ही मत करना, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूंगी क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इसीलिए तो अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो पूछो वरना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। या यस, आई नो धनुष फ्रॉम क्वाइट सम टाइम बैक, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई वाज सो एक्साइटेड व्हेन आई गॉट टू नो दैट ही इज इन द ग्रे मैन इन अ हॉलीवुड प्रोजेक्ट। एंड यू नो मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्री आर गोइंग टू हॉलीवुड व्हिच इज ग्रेट एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई कैन वेट टू सी हिम, ही इज टेरिफिक इन एनी फिल्म। सो yeah, I thought I'll do a little bit of neon and a little bit of green today. And my hair is gone for a toss because it's raining. So I don't know what to do. But I'm trying my best here. Yes. So, pata nahi, aapko pata hai ki nahi, but my first single as a singer is coming out next week. So we're preparing for that. I'm venturing into singing. That's coming. And my Hollywood project is also coming end of the year. Tab milenge dobara. And Made in Heaven is coming end of the year. I'm in Made in Heaven as well. So hai kuch do teen projects hai. Aap wo main nahi bata sakti ki main action kar rahi hu ki nahi, par action movie hai, Gerard Butler hai. So huge action movie. So definitely action hai. Bahut sara action. Thank you. Thank you. Thank you so much. बेसिकली एलनाज सिर्फ इंडिया को टेक ओवर नहीं कर रहे, वो पूरे दुनिया को टेक ओवर कर रहे हैं। और एक्चुअली मैं ये लड़की जानती हूँ 10 साल से, फ्रॉम द टाइम शी केम, एंड वो इतना हार्डवर्किंग है, इतना हार्डवर्किंग है, आई थिंक हम सब लोग से ज्यादा। सो प्राउड ऑफ यू एंड सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। हाँ मैं क्या बोलूँ, फिर क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ बोलने को नहीं है अभी। सच ही है ना। थैंक यू, शी इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो हर सिंस आई हैव कम टू इंडिया
when I didn't even know Hindi, when I didn't know anything. So it's a great time. Abhi she knows Hindi aur main abhi tak Hindi nahi seekhi. You do. हाँ मैं सिखाऊंगी क्यों नहीं पर इनकी हिंदी अच्छी है अच्छी है अच्छी है इनसे बात करें मैं जाके किसी और से बात करूंगी हाँ I'll go this way Hi guys, what's up? हाँ I think पहला तो रूसो ब्रदर्स का बहुत बड़ी फैन हूँ मैं Endgame was one of my most favorite films and सिर्फ उस फिल्म में ही उनका बहुत सीरीज है उनके बहुत पुराने वाला मूवीज भी है तो I'm a huge fan of them. So सबसे पहले obviously I wanted to come, maybe get a chance to meet them and to watch their film. और फिर धनुष भी है फिल्म में और मैं चेन्नई से हूँ तो मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि यू नो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से भी हम लोग हमारे लोग इतने बड़ी बड़ी फिल्में में जाके काम कर रहे हैं सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ये थ्रिलर है तो देखते हैं व्हाट द फिल्म इज़ लाइक आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी स्पेक्टेक्युलर I think hats off. I think I wish अभी तक और तमिल फिल्म इंडस्ट्री तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री से इतने अच्छा काम आजकल हर फिल्म हर सीरीज इट्स लाइक सुपर्ब सो आई होप कि और लोग जाओ और धनुष के लिए ऑल द बेस्ट आई नो यू आर गोइंग टू रॉक इट एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट बिगिनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ अस एज वेल अभी तो हमारा फिनाले आ रहा है शो का इंडियाज लाफ्टर चैम्पियन तो पहला तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि ये शो ख़त्म हो रहे बट ऑफ कोर्स कपिल भी वापस आ रहे तो ऑब्वियसली कपिल के साथ वापस तो देखते हैं उसके अलावा क्या होने वाला थैंक यू गाइस थैंक्स Please, 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 please
वेरी एक्साइटेड मैं रायन गॉसलिंग अभी देखने को मिल रहा है बहुत दिनों बाद सो ऑफकोर्स इट्स अ फिल्म और हमारे अभी प्रोफेशन में हम फिल्म बनाते हैं फिल्म देखना भूल जाते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मज़ा आता है जी 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 धनुष भाई तो यार बिग फैन यार मैंने 4 फिल्में कर ली एक भी रिलीज नहीं हुई है अभी होंगी धीरे धीरे देखो पहली तो अन्विता दत्त का तो खुद ही अपना ही जॉनर है नहीं यार डेब्यू क्या होता क्या है डेब्यू मतलब मैंने पिक्चर में काम किया है आप देख लेना तृप्ति है तृप्ति की फिल्म है वो कला देन रेलवे मैन 2 December YRF जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो प्रोसेस ही इतना एक्साइटिंग था एंड टू रिलिव दैट या और कौन सी है मैंने उमेश क्रॉनिकल्स की शुजीता वाली उसमें है और अभी एक्सेल के साथ और नेटफ्लिक्स के साथ मुझे पता नहीं मैं कितना रिवील कर सकता उसके बारे में बट वो चौथी है अभी देर आर मोर प्रोजेक्ट्स ऑन द वे बट एक्टिंग पे ध्यान देना भाई ये सब तो होता रहेगा थैंक यू